नॉर्मल से नॉर्मल व्हाइट डीआरएल नहीं है जो आप बाकी स्विफ्ट में देखते हो। हाँ जी हाँ जी, ये आरजीबी डीआरएल है, मैंने खुद बनाई है। अच्छा, हेलो गाइस, कैसे आप लोग, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो भाई आज की जो मॉडिफिकेशन दिखाने लगे भाई स्विफ्ट के अंदर दिखाने लगे भाई, बहुत ही बढ़िया काम करवा रखा है। और भाई ने जो एग्जॉस्ट में मफर टिप लगवा रखा है ना भाई, सुपरा में जो आते हैं ना वो वाला मफर टिप लगवा रखा है भाई ने, बहुत ही बढ़िया काम करवा रखा है टेस्टफुली। तो वीडियो के एंड तक जरूर देख लेना और साथ ही चैनल सब्सक्राइब कर लेना। मिलवाते हैं भाई से, दिखाते हैं भाई गाड़ी, भाई बहुत ही बढ़िया काम करवा रखा है। चलो भाई, जदों खबरा च आउंदा है तेरा नाम, खबरा च आउंदा है तेरा नाम, मैं तां मर जानियां वे, मैं तां मर जानियां। मेरा अपना ना मेरा कदे होया, कोई सी जी दे पिछे दिल रोया। मेरा अपना ना मेरा कदे होया, कोई सी जी दे पिछे दिल रोया। मर जानियां वे, मैं तां मर जानियां। कोई सी मैं जीदी होई सी, ओ मेरा दिल ते जा मेरी सी। वे जदों खबरां च आउंदा तेरा नाम, खबरां च आउंदा तेरा नाम। जैसे कि बताया था स्विफ्ट देखेंगे, पहले ओनर से मिलो। और भाई कैसे हो? बढ़िया भाई, आप बताओ। बस भाई बहुत बढ़िया। भाई ने जो टेस्टफुली काम करवा रखा है ना भाई स्विफ्ट में, भाई बहुत ही बढ़िया लग रही है। तो भाई सबसे पहले मॉडल की बात की जाए तो मॉडल कौन सा गाड़ी का? ये है 2017 एलएक्सआई पेट्रोल। 2017 मॉडल में भाई ने बहुत ही बढ़िया तैयार कराई है। और वैसे भी जो इस मॉडल की स्विफ्ट आती थी भाई बहुत ही बढ़िया तरीके से तैयार होती थी। तो भाई फ्रंट में क्या क्या काम करवा रखा है आपने? फ्रंट में जैसे आप देख सकते हैं तो आरएस वाली ग्रिल लगाई हुई है। ये देखो भाई आरएस वाली ग्रिल। तो भाई ये जैसे ये आती ही शाइनिंग में ब्लैक है या मैट में आती है? ये क्रोम आती थी। अच्छा, क्रोम आती है। मैंने पेंट किया प्रॉपर, अभी ये नीचे भी लगेगा। अच्छा ठीक है भाई। डिजायर की हेडलाइट हो गई। अच्छा, डिजायर की हेडलाइट्स लगवा रखी है। ये देखो ब्लैक वाली हेडलाइट होती है। ठीक है। फिर इसमें अपना फिलिप्स की एलईडी है 32-32 वॉट की। 32-32 वॉट की फिलिप्स की एलईडी है। ठीक है भाई। नीचे आपका आईपीएच हो गया। ठीक है। आईपीएच में भाई जो है आपका आईपीएच सिंगल लाइट वाला है या ट्रिपल लाइट वाला है? सिंगल लाइट वाला है, इसमें बल्ब डालना पड़ता है। ठीक है। इसमें आपका 180 वॉट की एलईडी है। ठीक है। हाँ, वो मैं कश्मीर गेट से लेके आया था वो। अच्छा, फिर सबसे मेन जो चीज आती है वो है डीआरएल। ये नॉर्मल व्हाइट डीआरएल नहीं है जो आप बाकी स्विफ्ट में देखते हो। हाँ जी हाँ जी, ये आरजीबी डीआरएल है, मैंने खुद बनाई है। अच्छा, रिमोट कंट्रोल्ड है। एक बारी भाई ऑन करके दिखाओ भाई। भाई जो आरजीबी कह रहे हैं भाई, रिमोट कंट्रोल भाई ने बनाई है। और भाई क्या है, तगड़ी बनाई होगी। और भाई इसका एक बार आईपीएस प्रोजेक्टर ऑन करके दिखाओ भाई, उसकी रोशनी चेक करो भाई, क्या ही रोशनी आ रही है। देख रहे हो दिन के टाइम में, देखो कितनी रोशनी आ रही है। तो भाई रात के टाइम तो भाई बहुत ही नेक्स्ट लेवल आएगी भाई। आरजीबी अच्छा भाई, आरजीबी ऑन करो डीआरएल भाई। ये देखो, ये देखो भाई, इसमें कलर चेंज करो। ये देखो भाई, ये देखो जैसे अभी दिन में आपको थोड़ी कम दिखेगी, जैसे रेड हो गई। हाँ, ये देखो ग्रीन, ग्रीन में देखो कितना दिख रहा है। ये देखो ब्लू में। फिर ये इसका एक मोटर जो रनिंग वाला होता है इसमें, ये देखो, ये देखो भाई रनिंग में अलग अलग कलर। आप इसकी क्या स्पीड भी कम कर सकते हो। अच्छा, ये रिमोट है। तो भाई ये क्या कॉस्ट पड़ जाती है? ये भैया डीआरएल अराउंड आपको पड़ती है 2000 रुपए की, जो डीआरएल आप लेते हैं नॉर्मल व्हाइट वाली। ठीक है। फिर उसको खोल के उसके अंदर सब निकालना पड़ता है, ज्यादा उसमें टेक्निकल टर्म्स में तो मैं नहीं जाऊंगा। हाँ जी। फिर ये लाइट की कॉस्ट लगता है 1600-1700 रुपए पड़ जाती है। चम्मा। इसमें आप थोड़ा और ऊपर जाएंगे तो जो फोन कंट्रोल वाली आती है डीमन लोग लगाते हैं, वो भी लग सकती है। अच्छा, वो भी लग सकती है। हमारे ऊपर है, तो मैंने खुद घर पे तैयार करी है, ऑप्शन था, मैंने ये लगा दिया तब। ठीक है। तो भाई आईपीएच की बात की जाए तो आईपीएच क्या कॉस्ट पड़ गए थे? IPH अराउंड 1800 का हो गया, पहले महंगा होता था 1800 का, मतलब लगा लो होलसेल में भी 1800 रुपए का दे रहे हैं कि कश्मीरी गेट वगैरह में लेने जाओ। हाँ। और बाहर भी 1800 रुपए का मिलता है। अच्छा अच्छा, हर जगह 1800 रुपए रेट हो गया। 1800 रुपए रेट है कश्मीरी गेट में भी 1800 रुपए रेट है। ये देखो भाई, ये लुक चेक करो भाई, आरजीबी नीचे हो रखे तो कितनी बढ़िया। ये देखो टोक लगा रखा है, जो पूरे इसकी तीन साइड में रेड की चल रही है उसको कंटिन्यू कर। ठीक है। और भाई नीचे बॉडी किट लगवा रखी है भाई ने, बॉडी हैवी करने के लिए। भाई ये भी बहुत बढ़िया सी लुक दे रही है। ABS की बॉडी किट है, फाइबर नहीं है। अच्छा, ABS की बॉडी किट है, देख रहे हो भाई, बहुत ही बढ़िया सी ये भी लुक दे रही है। देख रहे हो आगे पूरी स्विफ्ट की लुक ही चेंज कर दी। तो आओ भाई साइड प्रोफाइल में चलते हैं। भाई साइड प्रोफाइल कुछ इस तरीके की रहने वाली है भाई। अलॉय व्हील्स चेक करो भाई ने, वाइट के साथ ब्राउनिश चॉकलेट का डिजाइन दे रखा है। भाई क्या सोचा कि मतलब चॉकलेट कलर होना चाहिए अलॉय व्हील्स का? एक्चुअली भैया हर
कोई लगाता है, कोई व्हाइट पे व्हाइट कर रहा था, कोई सिल्वर लगा रहा था, कोई ब्लैक लगा रहा था, नहीं तो हाइपर ब्लैक चलता है, हाइपर सिल्वर दस तरीके के आते हैं। मुझे कुछ अलग करना था तो अभी तो मैंने ब्रोंज लगाया, ठीक है, ब्रोंज चलेंगे, फिर थोड़े टाइम बाद में इसको बॉडी कलर मैच करा दूंगा। अच्छा, व्हाइट के साथ व्हाइट करवा दो। भाई क्या ही बढ़िया से लुक लग रहे हैं, और भाई नट्स चेक करो भाई, क्या ही बढ़िया से लग रहे हैं यार। ब्राउन के साथ रेड का कॉम्बिनेशन भी वैसे अच्छा लग रहा है, ब्राउन के साथ जो रेड है, रेड अच्छा लगता है, और फिर उसमें क्या है व्हाइट के साथ भी रेड, मतलब तीनों कलर आपस में बहुत अच्छे मैच करते हैं। हाँ, रही बात अलॉय की, तो ये गोल क्रेसिंग का कॉपी है, 16x7J का अलॉय है, और इसमें जो टायर अपना चढ़ा हुआ है 190x55x16 कॉन्टिनेंटल का, और ये फ्लो फॉर्म का अलॉय है, तो रेप्लिका लेकिन फ्लो फॉर्म नहीं है। भाई कंपनी कितना इंच देती है? कंपनी भी है, ये तो बेस मॉडल है, इसको 14 आता है, टॉप पे 15 आता है। अब जैसे आपने ये 16 का लगा रखा है और आपकी जैसे ये बॉडी किट भी लगी हुई है, तो ये यहाँ कटिंग में टच नहीं होता, जैसे तीन उंगली की जगह टच नहीं होता, क्योंकि मैंने 7J लगाया। अच्छा, अगर मैं इसमें 7.5 या 8J लगाता वो टच होता, इससे पहले मैंने उसमें 15x7 यूज किया 5 साल। अच्छा, उसके बाद अभी 16 की है, पहले 14 आए थे, 14 से 15 लगवाया, 5 स्कोप वाला जो होता है कोई लगवाता है। हाँ जी, इसका हम लोग ऐसा यूनिक करना है, यूनिक नहीं, नॉर्मली लोग लगवाते हैं। ये अलॉय भी वैसे यूनिक ही है एकदम, बहुत ही कम लोगों ने मेरे हिसाब से लगाया हुआ ये। और भाई केरला साइड ज्यादा चलते हैं, केरला। हाँ भाई, और साइड प्रोफाइल में भाई ये पूरी साइड स्कर्टिंग हो गई भाई, पूरी लगी हुई है बढ़िया तरीके से, और लोअर भी होनी है, और भाई साइड में ब्लैक करवा रखा है भाई, ये भी जरूरी है। ये फेंडर लाइन में इंडिकेटर ये भी स्मोक कर रखा है, लोग हटा देते हैं मगर इसको रखते स्मोक करते ताकि दिखे। सही बात है। तो आओ भाई बैक प्रोफाइल में चलते हैं, तो भाई बैक प्रोफाइल कुछ भाई बल्की टाइप इस तरीके की रहने वाली है। तो भाई बैक प्रोफाइल में जो आपने लगवा रखा है स्पॉइलर, ये कंपनी वाला स्पॉइलर है? ये कंपनी वाला ABS वाला जो स्पॉइलर है वही है। ठीक है, ब्लैक पेंट करा लिया था बस, बाकी तो मतलब लगवाया अलग से आता था नहीं कुछ। अच्छा, मार्केट में साथ आता है, मैंने अलग से लगवाया। ठीक है, फिर आपके टेल लाइट्स हो गई इसमें LED वाली, ये टेल लाइट तो भाई बहुत ही बढ़िया। तो भाई ये क्या कॉस्ट पड़ जाती है? ये भी अराउंड 13,000, इसका आज भी रेट कम नहीं है, उसका कम हो रहा। सही बात है, स्विफ्ट का आप देखोगे वो 8500 तक पहुंच गई है, कुछ कुछ तो 7000 की मिल रही है, लेकिन आज भी 13000 रुपए की। भाई इसकी ये लाइट और उस लाइट में बहुत डिफरेंस है, ये लाइट बहुत ही अच्छी रोशनी फेंकती है। स्मोक वाला आता है लगवान तो मुझे पता, लेकिन वो अवेलेबल नहीं था तो मैंने रेड लगवाया। अच्छा, फिर लेकिन ये मेरे लग नट्स के साथ भी जा रहा है। हां, और क्या क्या लगवा रखा है? फिर ये इसमें बॉडी किट हो गई, ठीक है, और फिर ये जैसे मतलब N1 स्टाइल बेसिकली मफलर बोलते हैं इसको, सुपर वक्स वगैरह में आपने देखा होगा, ये वो मफलर है, लोग जनरली टिप्स लगाते हैं। ठीक है, प्रॉपर जो एकदम जापानी स्टाइल जो JDM जैसे लिखवाया मैंने, JDM। हाँ जी, हाँ जी, तो ये JDM स्टाइल मफलर है ये लगाया हुआ है इसमें। अच्छा अच्छा, तो भाई इसमें कोई साउंड वगैरह भी आती है? साउंड आती है लेकिन इतनी ज्यादा नहीं है जैसे नॉर्मल। एक बार साउंड चेक करवाना भाई, भाई साउंड चेक करो भाई, कह रहे हैं ज्यादा तेज नहीं आती, क्योंकि भाई है तो फ्रंट से फुल पाइप बट इतनी साउंड नहीं आती इसमें। ये देखो नॉर्मल में, नॉर्मल साउंड है, जैसे डीजल में लोग एग्जॉस्ट लगवाते हैं वैसी साउंड आती है ना नॉर्मल, ये वही साउंड है भाई। अच्छी लगती लाउड, लोगों का शौक होता है, मेरा नहीं है। हाँ, तो भाई आओ अंदर चलते हैं भाई अंदर। एक चीज और जो हम भूल गए, इसमें HPA का कोल्ड एयर इंटेक डाला हुआ इंजन में। अच्छा, तो आओ भाई बाकी अंदर चलते हैं, अंदर से दिखाते हैं भाई अंदर में भाई ने क्या क्या काम करवा रखा है। बाहर भी बढ़िया है भाई, अंदर भी और बढ़िया ही होएगा भाई। अंदर में कुछ इस तरह का इंटीरियर रहने वाला है भाई, अंदर में क्या क्या काम करवा रखा है भाई अंदर। एक तो आपका इसमें ये रेसिंग गेजेस लगे हुए हैं, जिसमें एक आपका वोल्ट मीटर है, एक RPM मीटर है। ठीक है, जनरली लोग टॉप मॉडल का मीटर लगाते हैं, वो तो हर कोई करता है, तो मतलब तो था यूनिक थी थीम गाड़ी की, तो मैंने वो नहीं किया जो हर कोई करता है, मैंने RPM मीटर ही एक्स्ट्रा लगाया। ये भी लगाना मतलब आसान बात नहीं थी, क्योंकि इसके लिए ना ECU में वायर जोड़नी पड़ती है, इसमें फूकने के चांसेस हैं। अच्छा अच्छा, तो वो तो फिर मेरे को हर कोई मना कर रहा था कि नहीं हो पाएगा, लेकिन फिर एंड ऑफ द डे मैंने खुद ही दिमाग लगा के ECU खोला, उसमें तारे चेक करी एक एक और तब जाके ये जोड़ा है। अच्छा, मतलब गाड़ी में हमने सारा काम खोला। गाड़ी में भाई जो काम जितना, जैसे ऑडियो सेटअप हो गया, लाइटिंग हो गई, ये सारा काम, टो हुक नट्स वगैरह, वो ब्रेम्बो का कवर लगा हुआ है जो ब्रेक पे, वो सब खुद किया है सारा। भाई ये देखो कार लवर यूं होते हैं, मतलब किसी को देनी नहीं है गाड़ी। हाँ, अपने हाथ से हर चीज करनी है ये तो। और भाई सिस्टम में क्या क्या काम? सिस्टम में भाई इसमें एज के मिड्स लगे हुए हैं जो मैंने लंदन से मंगाए हैं। ठीक है, और DB ड्राइव के दो पेयर बुलेट ट्विटर लगे हुए हैं इसमें। ठीक है, एक इसमें 4 चैनल लगा हुआ है अर्थक्वेक का, वो भी इम्पोर्टेड है। ठीक है, और एक जो पैसेंजर सीट है इसके जो रॉकेट की बैटरी लगी हुई है एक्स्ट्रा। अच्छा, हाँ, और कैनवुड का माउथ है इसमें 7018, और हैमरटेक का इसमें 1500 RMS का सब है, और इसमें क्या बोलते हैं मोनो है 2000 RMS का, इसमें मोनो है। मोनो है, हाँ जी। और कौन सी कंपनी का है वो? S&B का डाला हुआ, मोनो चाइनीज डाला हुआ, क्योंकि ना बूस्टेड साउंड होती है चाइनीज मोनो में मिलती है।
फिर इसमें अच्छी कंपनी है, एस एन बी बहुत बढ़िया कंपनी है भाई। मैंने इससे पहले 1500 यूज किया है, अब मैं 2000 यूज कर रहा हूँ। तो गाइस चेक करो भाई, साउंड बहुत ही बढ़िया आने वाली है। तो आपको गाइस साउंड चेक करवाते हैं, साउंड चेक करो भाई, गाना प्ले कर दो एक बारी। तो भाई साउंड की बात की जाए, साउंड तो भाई बहुत ही बढ़िया लगा रहा है। थैंक यू भाई। तो ये भाई सारा खुद किया है घर पे, ये सारी वायरिंग वगैरह सब पूरी गाड़ी घर पे तैयार करी है। बस जैसे पेंट अलॉय ये सब तो बाहर से हुआ एग्जॉस्ट, नहीं तो बाकी एयर फिल्टर हो गया, लाइटिंग हो गई, पूरी गाड़ी घर पे तैयार करी है। जैसे इंटीरियर आपको ये चीज मिस हो गई, इतने 6 के 6 पिलर हमने ब्लैक पेंट करे हैं, ये भी घर पे करे हैं। हाँ, घर पे ब्लैक पेंट करे हैं। और फिर इसका ये जो छत है इस पे ब्लैक कपड़ा चढ़ाया, भी घर पे ही चढ़ाया। अच्छा जी। हाँ भाई एक बात बताइए, क्या कॉस्ट पड़ेगा सिस्टम भाई? सिस्टम अब जैसे लगा लो, कुछ चीजें बाहर से आई, कुछ यहाँ की हैं, मोस्टली चीजें इसमें बाहर की हैं। इसमें तो वायरिंग और डैम्पिंग वायर है, कि डैम्पिंग इसमें पूरी गाड़ी में रखी है। वाइपर फिल्टर की 1.8 mm की डैम्पिंग हुई हुई है, डबल लेयर हुई है गत्तों में और डिक्की में। अभी इसकी छत और फ्लोर भी होना है। और फिर जो एक्स्ट्रा बैटरी एक रॉकेट की डली हुई है, उसके लिए 50 mm की प्योर कॉपर वायरिंग डली हुई है। ठीक है। और फिर जो स्पीकर है उसमें 12 kg प्योर कॉपर वायरिंग डली हुई है। तो क्या कॉस्ट पड़ गया था सिस्टम भाई? अराउंड आप मान के चलो 1.5 के करीब, 1,05,000 रुपए का। मतलब इंटीरियर सिस्टम सब नहीं, सिर्फ सिस्टम। हाँ जी ठीक है। तो भाई आओ भाई, भाई से बाहर पूछवाए थे, भाई ने पूरी गाड़ी पे कितना पैसा खर्च दिया भाई, देख रहे हो 1,05,000 रुपए का सिस्टम लगवाया। तो भाई बोलता है भाई मुंह से कि हाँ भाई इतना लगा हुआ, खर्चा कर दिया टोटल में। लोग तो मतलब जैसा बोलते हैं, मैं सच बताऊं मैंने कैलकुलेट नहीं करा, फिर भी अराउंड आप मान के चलो 60 के अलॉयस एंड टायर्स हैं। अच्छा, बॉडी किट होगी 24,000 की कंपनी से पड़ती है। ठीक है, मतलब 2.5 लाख रुपए कैसे? तो गाइस चेक करो भाई, 2.5 लाख रुपए में गाड़ी ऐसी तैयार हो सकती है भाई, बहुत ही बढ़िया काम करवा रखा है। तो गाइस आप लो मॉडल लेके भी गाड़ी ऐसी तैयार करवा सकते हो, सिर्फ तो सिर्फ 2.5 लाख रुपए में। तो गाइस वीडियो कहीं एंड कर रहे, अच्छी लगी तो लाइक कर देना, कॉमेंट सेक्शन में बताना भाई गाड़ी कैसी लगी, और साथ ही साथ सब्सक्राइब कर लेना। मिलते हैं जल्दी न्यू ब्लॉग से, तब तक के लिए बाय।